दोस्तों इस वीडियो पर जानेंगे मेंसरिन टेबलेट के बारे में। अगर आप लोगों को मेंसरिन टेबलेट के बारे में फुल डिटेल्स नहीं है तो इस वीडियो पर आप लोगों को फुल डिटेल्स दूंगा। मेंसरिन टेबलेट किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा डॉक्टर इसको लेता है, मेंसरिन टेबलेट को लेता है, तो इस वीडियो पर आप लोगों को फुल जानकारी देने वाला हूँ। सिर्फ वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखते रहना है, क्योंकि कोई मेडिसिन यूज़ करने से पहले उस मेडिसिन के बारे में आप लोगों को फुल जानकारी होना चाहिए। उसका डोजेज भी मालूम होना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट भी मालूम होना चाहिए, किन कंडीशन पर आप लोग उस मेडिसिन को नहीं ले सकते हो उसके बारे में जानना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेंसरिन टेबलेट, तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जान लेते हैं इसका बेनिफिट के बारे में, जो इसका टेबलेट लेने से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, तो ये सुन लेते हैं। तो नंबर वन बेनिफिट, साइकोटिक डिप्रेशन में इस दवाई सलाह जाता है, जो बहुत डॉक्टर इसको लिखता है। साइकोटिक डिप्रेशन के बारे में इस टेबलेट को लिखता है, जैसे कई लोगों को मानसिक बीमारी हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, उनको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो आदमी डिप्रेशन पर चला जाता है, तो उस सिचुएशन पर मेंसरिन टेबलेट दवाई दिया जाता है। तो इसका हो गया पहला बेनिफिट। नंबर टू, किसी लड़का लड़की को न्यूरोटिक डिप्रेशन हो जाता है, जैसे अकेला रहने पर डर लगता है, कहीं ऊंचा जगह पर जाने पर डर लगता है, और अंदर पर अंधेरे में रहने पर डर लगता है, तो उस सिचुएशन पर जो मेंसरिन टेबलेट है, इस टेबलेट देने से बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर इस टेबलेट को लिखता है। तो बात कर लेते नंबर थ्री के बारे में। नंबर थ्री, जो न्यूरोसिस के प्रॉब्लम में इस दवाई दिया जाता है, कहीं ऐसे लड़का लड़की लोगों को हो जाता है जो न्यूरोसिस की प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे किसी बिना वजह से टेंशन करता है, बिना वजह से बार बार वो टेंशन आता रहता है, तो उस सिचुएशन पर इस दवाई देने से बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका डोजेस की बात कर लेते हैं। इसका डोजेस एक टेबलेट रात में खाना होगा, खाने के बाद ही लेना होगा एक टेबलेट। और किन किन कंडीशन पर इस दवाई नहीं ले सकते हो, जैसे अगर किसी महिला प्रेग्नेंट है तो उस सिचुएशन पर इस दवाई नहीं दिया जाता है। दूसरी बात, किसी महिला ब्रेस्ट फीडिंग है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो उस सिचुएशन पर इस दवाई नहीं दिया जाता है। अगर किसी का लीवर का कोई समस्या है, किडनी का कोई समस्या है, तो उस सिचुएशन पर इस दवाई नहीं दिया जाता है। बात कर लेते हैं इसका साइड इफेक्ट की। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है इस टेबलेट लेने से, जैसे बोमी हो सकता है या उल्टी हो सकता है, और खजली भी हो सकता है शरीर पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगला वीडियो पर कोई और मेडिसिन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अगर चैनल पर नया है तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।